नागपुर भोपाल हाईवे पर परेठा घाट के पास होमगार्ड और पुलिस जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से चुनाव ड्यूटी खत्म कर जवानों से भरी है बस जब मरेठा घाट पहुंची तो ओवरटेक करने के दौरान सामने से आ रही ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, हम चुनाव कराके छिंदवाड़ा से आ रहे थे। 1 बजे हम वहाँ से छिंदवाड़ा से चले। हमारे पीसी साहब ने हमको आदेश दिया कि भाई इनको बैठार के जवानों को आप निकल जाओ। 33 जवान मुझे मिला के, मैं हम 34 थे, एक कंडक्टर एक ड्राइवर 36 और 5-6 पुलिस वाले को बोले भाई ये 40 जवान हो रहे हैं, आप अपनी बस रवाना करो, तो कुछ कम पड़ेंगे तो हम अपनी बस में ले आएंगे बैठा के और आप निकल जाओ। तो मैंने कहा आप रवानगी डालो। बोले नहीं, हम सब करवा देंगे, आपसे जाएगी जो आते सुन दे। मैंने ठीक है सर। आए हम लोग बैतूल में, हमने चाय पी और बैतूल में गाड़ी खड़ी करी, ड्राइवर को भी चाय पिलाई सबको, जवानों को नींद नहीं आए और हम लोग चल दिए। तो बैतूल से आगे कोई घाट है उसका मरेठा घाट, तो वहाँ उधर से वो आ रहा था ट्रक, तो उसने हमारी बस में टक्कर दी। तो बस हमारी खन्नी में जाने वाली थी, ड्राइवर ने हमारी बस को बचाया, वो ऊपर को करी उसने रोड पे। इतने में दूसरा ट्रक आया तो उससे टकरा के और ये बस नीचे दो माने पलटी खाई बस ने, तो पहिया ऊपर और बस नीचे। अब ये जो शाहपुर थाना क्षेत्र लगता है बरेठा घाट, वहाँ पर आज सुबह 4:15 के आसपास की घटना है। ये होमगार्ड का बल, जिसमें 5 जिला बल भी था, राजगढ़ के थे। ये छिंदवाड़ा से चुनाव ड्यूटी करके वापस राजगढ़ लौट रहे थे, तो रास्ते में जो बस है वो मरेठा घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें से कुछ लोग जो साधारण रूप से घायल थे उनको शाहपुर अस्पताल भेजा गया है और कुछ जो 8 लोग थे जिनको थोड़ी चोटें आई थी उनको जिला अस्पताल बैतूल में अभी एडमिट किया गया है। कोई गंभीर नहीं है, चोटें आई हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी फिर यहीं पर जिला अस्पताल में अभी उनका उपचार होगा।